वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 6 महीने से बंद चल रहे थाना दिवस की शुरुआत शनिवार को कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत की गई। इस दिवस के दौरान उच्च अधिकारियों द्वारा विभिन्न समस्याओं के संबंध में शिकायतकर्ताओं द्वारा थाना दिवस पर आकर अधिकारियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए उसका निस्तारण तीव्र गति से किया जाता है। प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार को आयोजित होने वाले इस थाना दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार ने पीपीगंज थाने पर पहुंचकर थाने पर आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर निस्तारण करने का निर्देश दिया। आपने काम लाया, आपने पैसा लग के करा ले, जनता लोग पूछे बस केवल ये आदमी के वजह राजनीति करने कहते हैं। सर अभी आप पीपीगंज में जाइए, पूरी रोड इतने बढ़िया बनाया है कि आप क्या बताएंगे। रोड से अच्छा कौन बनाएगा? आप एसएससी के लिए कुछ जमीन ढूंढा है क्या? पैसा 10-15 करोड़ रुपया पड़ा है उससे क्या बर्बाद है? उससे क्या अनुमति है तो उसमें कोई सबूत चाहिए ना, जांच करके गलत है तो फिर उसमें रिकवरी करेंगे। बना के दीजिए जैसे कि प्रधान तो देखिए जनपद पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, कल तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पिक करना पड़ेगा, तो कैसे जाती करी होगी मामला? वो कर वो देखते हैं, रूल अगर ऐसा होगा उस पर एक नया नियमावली में रूल्स है, उसमें राशन चाहते तो उसका। अच्छा मैम, टाइमिंग क्या रहेगा मैम? के अलावा लूट के दिन उतरे हैं इसमें वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार ने पीपीगंज थाने का औचक निरीक्षण किया। थाने पर फाइलों के रखरखाव, थाना परिसर में साफ सफाई सहित बैरकों का निरीक्षण कर खामियों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत